अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम एम्स्टर्डम में मौजूद हैं। वेदर इधर 24 डिग्रीज है राइट नाउ और 12:36 हुए हैं। हम ड्राइव करेंगे एम्स्टर्डम से जर्मनी, हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट और ये हमारा रूट है। देखें, ये 4 hours 28 minutes की यहाँ से ड्राइव है, 436 kilometers ये दूर है यहाँ से। हमारे साथ रहेगा, फिर हम मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं जर्मनी। मैं मोटरवे पे ड्राइव कर रहा हूं और ये मोटरवे बहुत फास्ट है, तो जब भी आप जर्मनी आए और ड्राइव करें तो बहुत केयरफुल। देखें, मैं 130 की स्पीड पे हूं और 150-160 पे भी गाड़ियां जा रही हैं यहां पे। तो देखें दोस्तों, रोड्स देखें यहां के। यूके में मोटरवे पे जो ड्राइविंग स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड है 70 miles per hour, वो तकरीबन 115 किलोमीटर होती है। आयरलैंड में मोटरवे पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ज़्यादा जो स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जर्मनी में ये जो ऑटोबान है इस पर कोई स्पीड लिमिट है ही नहीं, जितनी तेज गाड़ी भगा सकते हो भगाओ। एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब आप जर्मनी में ड्राइव करें तो कभी भी अपने ड्राइविंग स्किल्स को चैलेंज ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग है। ख़ास तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लो लेन में अपनी गाड़ी रखें, ओवरटेक लेन में ना रखें जो फास्ट लेन होती है, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट गाड़ी आती है। इवन जब आप ट्रैक चेंज करते हैं ओवरटेक के लिए तो एक ख़ास आवाज़ आती है, क्योंकि 150 से ऊपर गाड़ी चल रही होती है तो एक ख़ास चूँ की आवाज़ आती है टायरों की, जो कि बहुत स्केरी होती है। और देखें, टेम्परेचर भी 31 डिग्रीज हो गया, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट की तरफ टेम्परेचर गर्मी बढ़ती जा रही है। टर्किश पिज़्ज़ा शॉप में आए और मैंने अभी ऑर्डर किया है डोनर सैंडविच मेन्यू, जो कि 8.50 का है यूरो का, और एक मैंने ऑर्डर किया है फलाफल सैंडविच जो कि 4.50 का है। ये रेस्टोरेंट है जहां हम आए हुए हैं, हम इधर बैठ के खाना खाएं। ये मेरा खाना आ चुका है, ये देखें, और हम हैं फ्रैंकफर्ट में। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस फूड, वेरी अप्रिशिएट, थैंक यू सर। ये मेरा होटल है प्रीमियर इन, चले अंदर चल के देखते हैं। प्रीमियर इन 4-star होटल है, बहुत खूबसूरत होटल है। मैंने booking.com से इसको बुक किया है 49.99 यानी कि 50 euro। और इसका रूम का जायज़ा लेते हैं ज़रा। देखें, खूबसूरत एनसोइट है, सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक ज़रूरत के तहत चाहिए होती हैं। वार्डरोब है, ये कपड़े वगैरह रखे हैं आप अपने, टी कॉफ़ी के लिए कैटल वगैरह दी हुई है, यहाँ पर लॉकर है।
और यहाँ पर भी आप देखें, बेचारे मेरे पीछे देख रहे हैं, बंदा सो रहा है। होमलेस पीपल हर जगह पर ही हैं, आपको पता है। तो रात हम लोग कहीं निकल नहीं सके क्योंकि रात सैटरडे नाइट थी, बहुत बिजी था टाउन। बहुत फ़नी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, जिससे आप अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। फ़नी भी होती है, बड़ी सैड भी होती हैं, लोग ड्रंक होके बाहर घूम रहे होते हैं। सो वो थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए सैटरडे नाइट को मैं बाहर नहीं निकला हूँ। तो अभी मैं, संडे है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो मैंने बोला थोड़ा टाउन का जायज़ा लिया जाए। मैं टाउन के लिए ये ई स्कूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका 25 सेंट पर मिनट है इसका जो रेंट है, और फर्स्ट अनलॉक फ्री होता है। इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इसका ब्रांड हो, जो भी इसकी मेक हो, इसका नाम है विन, तो आप ऐप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हैं गोथ। मिस्टर गोथ जो हैं वो जर्मन लिटरेचर के जायंट थे, और उन्होंने एक नॉवेल लिखा 1774 में, जिसका नाम था द सोरोज ऑफ द यंग्स वर्थर। वो बहुत पॉपुलर रहा है, और ये फ्रैंकफर्ट में 1749 में पैदा हुए। इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा जर्मन लिटरेचर में मकाम है। दोस्तों, मौजूद हूँ मैं रोमबर्ग, रोमबर्ग स्क्वायर जो है यहाँ का सबसे बिजीएस्ट और सबसे फेमस मार्केट स्क्वायर है, और इसी जगह पे यूरोप की सबसे बड़ी क्रिसमस मार्केट भी लगती है। रोमबर्ग जो है वो ओल्ड टाउन में वाक़ है, और मज़े की बात यह है कि देखें, ये पूरा ओल्ड टाउन है, ये स्क्वायर है, और मेरे बिल्कुल बैक साइड पर आपको एक बड़ी सी टॉल बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो कि सिटी सेंटर है। तो ये बिल्कुल एक कदीमी टाउन है, और फिर जब हम उस साइड पे जाएंगे तो बिल्कुल मॉडर्न सिटी होगा। ये है इंसाफ का तराजू। ये है आइजनर स्टैग। ये पुल 1868 में लोहे से बनाया गया, फिर उसको तब्दील किया गया 1911 और 12 में। इस पुल की एक खास बात है जो कि मैं आपको ऊपर चल के बता रहा हूं। दोस्तों, आप देखें इस पुल पे हजारों ताले, चाइना के, जापानी ताले,
जर्मन ताले हैं, बहुत ताले। इन तालों की एक खास कहानी है, वो कहानी है मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। तो इधर मोहब्बत करने वाले यहाँ पर आते हैं और जैसे अपने यहाँ मन्नत मानी जाती है वैसे यहाँ पे ताले बांध के जाते हैं। तो ये पुल जो है इसकी ख़ास बात ये है कि ये कनेक्ट करता है मॉडर्न सिटी से और ओल्ड टाउन की तरफ। अब आप देखेंगे ओल्ड टाउन उस जगह पे है। जर्मनी की 15 ऊंची तरीन बिल्डिंग्स में से 14 बिल्डिंग्स फ्रैंकफर्ट में हैं। की वजह से यहां की स्काई लाइंस बहुत ज्यादा मशहूर है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का फाइनेंशियल हब है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जर्मन स्टॉक एक्सचेंज भी फ्रैंकफर्ट में ही वाकई हैं। यह है यूरो मोन्यूमेंट, 2001 जनवरी में यहां लगाया गया है। उसके पीछे जो बड़ी इमारत है इसका नाम है यूरो टावर, जो कि 40 मंजिला इमारत है। यह है रिवर मेन, इसीलिए फ्रैंकफर्ट को फ्रैंक एम मेन भी कहा जाता है, यानी कि फ्रैंकफर्ट दरियाए मेन पे बना हुआ। सफर के अख्तिताम पे मैंने दूर से एक पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ देखा। मैं करीब गया तो पता चला कि पाकिस्तानी काउंसलेट है। तो ये पाकिस्तानी काउंसलेट है फ्रैंकफर्ट में। बहुत खूबसूरत इमारत बनी हुई है, बहुत साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। ख़ास तौर पे जो इन्होंने पेंटिंग्स की हुई है वो बहुत ट्रेडिशनल है। मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान।